और चलिए बात करते गाजियाबाद के डासना में पेपर मिल में कल सुबह से सुलगी आग अब भी शांत नहीं हुई है। यहाँ शुक्रवार सुबह 9:30 बजे पेपर रोल गोडाउन में आग लग गई थी, जिसे देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और इस पर आपको बता दें कि देर रात तक भी काबू नहीं पाया जा सका। आग बुझाने में दमकल की 30 गाड़ियां लगी हुई हैं। तस्वीरों को आप देख सकते हैं और इस बात का अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण है। दमकल विभाग के मुताबिक पेपर रोल को बाहर निकालना मुश्किल है, जिससे दिक्कतें आ रही हैं। तो यूपी के गाजियाबाद जिले की एक फैक्ट्री में भीषण तरीके से आग लगी है और 22 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, मगर आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। गाजियाबाद में हुए इस अग्निकांड के बाद मौके पर दमकल के 3 दर्जन वाहन भेजे गए हैं और इस घटना के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन के कई अफसर भी मौजूद हैं। धधक रही है आग गाजियाबाद में मसूरी के पेपर रोल में भयंकर आग। सुबह 9:30 बजे से उठ रही है आग की लपटें। आग बुझाने में जुटी 24 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग बुझाने में छूटे दमकल कर्मियों के पसीने। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि कैसे आग की लपटों में एक गोदाम खाक हो रहा है। दरअसल इस गोदाम में सुबह 9:30 बजे जो आग लगी, उसने ऐसा भयंकर रूप लिया कि कई घंटे गुजर गए मगर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। एक ऐसे ही गोदाम में आज सुबह तकरीबन 10 बजे आग लगी है और ये आग तभी से लगातार लगी हुई है। लगातार कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की, लेकिन अब तक भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। दमकल की 24 से ज्यादा गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। गाजियाबाद समेत नोएडा, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर से भी फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है, लेकिन आग पर फिर भी काबू नहीं पाया जा सका। हमारी 30 गाड़ियां हैं, जनपद गौतम बुद्ध नगर से, बुलंदशहर से और मेरठ से, हापुड़ से ये गाड़ियां आई हुई, बागपत से भी गाड़ी आई हुई, 30 गाड़ियां कुल लगी हुई हैं और ये लगातार बुझाई जा रही है। चूँकि पेपर रोल ये बारूद और बहुत हाई इन्फ्लेमेबल होता है, बहुत ज्वलनशील होता है और इसको जो है बुझाने की कोशिश पूरी तरह से। रात में कैंप भी करेंगे सर यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आग बुझ नहीं जाती तब तक हम सभी लोग यहाँ पर रहेंगे। वहीं आग पर काबू पाने के लिए हाइड्रोलिक दमकल मशीन को लाया गया मगर फिर भी हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। हाइड्रोलिक मशीन की सहायता ली जा रही है आग पर काबू पाने में, ऊपर से बौछार की जा रही है पानी की, लेकिन आग की लपटें सीधे तौर पर देखी जा सकती है। काला धुआं निकल रहा है जिसने पूरे गाजियाबाद को अपने आगोश में ले लिया है। आग के चलते गोदाम की छत गिर चुकी है, दीवारें भी धड़धड़ा कर गिर रही हैं, लपटें निकल रही हैं चारों तरफ से। दरअसल पहले ये लपटें जो लेंटर था उसकी वजह से बाहर नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो लेंटर और जो देखिए दीवारें यहाँ पर गिरती हुई नजर आ रही हैं, पूरा जो डीसीएम का गोडाउन था वो ढहढ़ाकर यहाँ पर गिर गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, आग की लपटें आ रही हैं और जो पूरी कंपनी का जो गोडाउन था उसकी दीवारें चारों तरफ से गिर रही हैं। ये तस्वीरें सीधे तौर पर देख सकते हैं, अभी भी लगातार जो आग है उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सका है। 30 गाड़ियां दमकल की लगातार यहाँ पर कोशिश कर रही हैं आग पर काबू पाने का, तपिश बहुत ज़्यादा है। ये लगाइए मैं इस आग से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर हूँ, लेकिन तपिश इस कदर है कि यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है। दिन भर जहाँ आसमान में काला धुआं छाया रहा, वहीं रात को भी धधकती आग की लाल लपटें आसमान छू रही हैं। ऐसे में हर ओर से यही सवाल उठ रहा है कि आग कब बुझेगी, ये आग कैसे बुझेगी, रात के दौरान किस तरह से रेस्क्यू चलेगा, किस तरह से जो लोग हैं दमकल कर्मी हैं किस तरह से आग पर काबू कर पाते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। और अभी भी देखिए दमकल कर्मी पूरी मेहनत कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, उसके बाद भी जो आग है उस पर अभी तक काबू पाया नहीं गया है। दीवारें गिरनी शुरू हो गई हैं, लेंटर पूरी तरह से गिर चुका है और ऐसा लगता है कि पूरी रात ये आग इसी तरह से लगी रहने वाली है और कल भी ये आग रहेगी और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। रिपीट के साथ मानुषर मान्यू स्टेट गाजियाबाद।